दहेज का लोभ परिवारों को खत्म कर देता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में देखने को मिला है। यहां मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई में एक मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने पहुंची थी। मां की आंख में आंसू थे और मन में इंसाफ की मांग। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में रहने वाली मेघा गौड़ की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में 25 नवंबर 2020 को हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है। इसी के चलते मंगलवार को मेघा के परिजन फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस जन सुनवाई में पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में मेघा की मां ने बताया कि उसकी शादी 26 जनवरी 2019 को सूरज गौड़ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेघा को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। समय समय पर परिजनों ने सामर्थ्य अनुसार पैसा भी दिया, लेकिन दहेज का लालची ससुराल पक्ष की मांग 10 लाख हो गई थी। सभी उसे पैसों के लिए रोज परेशान कर रहे थे। शादी के बाद से दूसरे दिन से उसको प्रताड़ित कर रहा था सर। वो बोले दहेज में ये रखिया है वो रखिया है, मतलब पूरा दहेज नहीं मिल पाया इसको। हार नहीं लेकर आई, चूड़ी नहीं पहन कर आई, ये सब बहनों के काम में ले लेंगे, छोटी बहनों के, ऐसा उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित करते थे। और फिर धीरे 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 मतलब उसका हमारे से बातचीत करना भी बंद करवा दिया, उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया उसको। मतलब इतना वो करते थे कि हम लोग उससे मिल ही नहीं पाए, बिल्कुल बिल्कुल बात हमसे 6-6 महीने उसकी बात नहीं हुई है सर। और फिर उसके बाद में उसको जैसे तैसे मतलब भेजना कभी शुरू भी किया, तो फिर उसको बोला कि कभी जाओ 10,000 ले आओ, कभी 5,000 ले आओ, कभी ऐसा कर लो। फिर तो अब तो 10 लाख के दहेज, मतलब 10 लाख का सीधे मांग रहे थे। क्या करता था उसका पति? क्या करता? कुछ भी नहीं करता था सर, हमको धोखा देके उससे शादी हुई थी। कौन कौन लोग थे प्रताड़ित करने में? कौन कौन लोग थे? सास ननंद, मौसी सास, मामा ससुर, ये सब ये उसको आए दिन धमकियाँ देते रहते थे। और ये मामा ससुर आबकारी में था तो बोलता था कि अगर घर पे तूने कुछ भी बताया है तो मैं तेरे माँ बाप के संग ऐसा करूँगा या फिर कुछ। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना कि व्रत के समय सेलम का सच्चा मोती एक मार्ग साबुदाना ही इस्तेमाल करना। जरूर माँ जी, आज एकादशी पर मैंने आपके लिए सेलम के सच्चा मोती साबुदाने की ही खिचड़ी और खीर तैयार की है। और बाबूजी के लिए मैंने अल्पाहार मोरधन का उपमा और अल्पाहार नारियल बूरा के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली, दिल जीत लिया तूने मेरा। माँ जी, मैंने सच्चा मोती एक मार्क साबुदाना ही नहीं बल्कि सच्चा साबु का एक मार्क साबुदाना भी बुलवा लिया है। दोनों ही साबुदाने एक से बढ़कर एक है। और यही नहीं माँ जी, मैंने साबु ट्रेड के अन्य हरियाली उत्पाद जैसे अल्पाहार मोरधन, अल्पाहार हल्दी पाउडर, अल्पाहार नारियल बूरा और साबु पापड़ भी बुलवा लिए हैं। माँ जी, आपके बरसों का तजुर्बा ही हम सबके खान पान को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाए रखेगा। और हाँ, ये बच्चों को भी बहुत भाता है। बेजोड़ प्राकृतिक स्वाद व अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन संगम। खरीदते समय साबु ट्रेड सेलम की पैकिंग व साबु का लोगो देखकर ही खरीद। मेघा के पिता ने आरोप लगाया कि जब मेघा के ससुराल वालों को पैसा देना बंद कर दिया गया तो 25 नवंबर 2020 को मेघा की हत्या कर दी गई और उसे ससुराल वाले निजी अस्पताल में छोड़कर भाग गए। सर, वो मेरे घर पे आते थे और पैसे की डिमांड करते थे, तो मैंने गुड़िया को बोला भी था, मैंने कहा बेटा मैं अभी लॉकडाउन की वजह से परेशान है, पर तो कुछ धंधा पानी चालू हो जाएगा तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूंगा तेरी। कितने लाख रुपए तक? 10 लाख रुपए की डिमांड थी। काय के लिए डिमांड करते थे वो? उनके पास शादी में कर्जा करा था या क्या करा था ये हमें तो नहीं मालूम सर, पर वो 10 लाख रुपए मांगते थे हमसे। ये सूरज भी मांगता था। इसमें मुख्य संलग्नकारी कौन था? बालमुकुंद गौड़। ये क्या करता है सर? ये इसके कहने पे ही ये लोग हमारे वहाँ आते थे। तो बालमुकुंद करता क्या? आबकारी विभाग में हेड साहब है वो। तो अभी जिन 3-4 लोग गिरफ्तारी हुई, उसमें बालमुकुंद गिरफ्तार है? नहीं सर। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ सर? वो अब प्रशासन बताएगी सर उस क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा। हमने एड्रेस तक दे दिया उस पुलिस को। इस पूरे मामले में MIG पुलिस ने पति, सास, मौसी सास, मामा ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मेघा का मामा ससुर जो कि आबकारी विभाग में पदस्थ है अभी भी फरार है। मेघा गौड़ के परिजनों का आरोप है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, जिसके चलते वह जनसुनवाई में पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतुभाषी न्यूज, इंदौर।
प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।